अब हम बात करते हैं कि आईजीएसटी को सेल कैसे करते हैं। ठीक है, तो सेल के अकाउंटिंग वाउचर में आप अगेन जाएं, एंटर किया, F8 सेल के लिए यूज हो रहा है, क्लिक किया, आपने इनवॉइस नंबर डाल दिया, रेफरेंस नंबर बोल सकते हैं आप इसको। अब यहां पर फिर से पार्टी नेम बनाना है, तो पार्टी नेम के लिए आपने फिर से ऑल्ट सी करोगे और यहां पर आपने कस्टमर कस्टमर, ठीक है। अंडर किसके आता है? सनी डेटर के आता है, एंटर, यस किया, ठीक है, एंटर। अब आपको बताना है कि कस्टमर एक्चुअल में है कहाँ का। अगर दिल्ली का है तो फिर तो SGST CGST लगेगा। अगर आपका कस्टमर सपोज हरियाणा का है, ठीक है, हरियाणा, एंटर किया, उसका पिन कोड डाला, एंटर, एंटर, रेगुलर है। अब यहां पर आप हरियाणा का जीएसटी नंबर लेंगे, हरियाणा का जीएसटी नंबर यहां पर आप डालेंगे। जब आप नंबर को नेट से कॉपी करते हैं तो पेस्ट कैसे करते हैं, क्या तरीका है? तो आप सिंपल अपने इस पर क्लिक करें और कंट्रोल ऑल्ट वी का यूज करें। आई रिपीट, कंट्रोल ऑल्ट वी। वैसे नॉर्मली हम कंट्रोल वी करते हैं पेस्ट करने के लिए, बट टैली के अंदर कंट्रोल ऑल्ट वी यूज करना है। आपने एंटर किया, सेट अल्टर जीएसटी डेट, इसको यस किया, रेगुलर, अगेन जीएसटी नंबर आ गया, एंटर करते हुए सेव कर दिया। ठीक है, ये आपका सेव हो गया। यहाँ पर आप डिटेल्स फिल करने के बाद सेव कर दें। यहाँ पर आगे पहुंचे और लैपटॉप, जो कि एक लैपटॉप आपने ले रखा है, उसकी कॉस्ट को बढ़ा दें 60,000 कर दें, एंटर किया, एंटर, अगेन ब्लैंक छोड़ना है और यहाँ पर आईजीएसटी, आपने आईजीएसटी डाला, एंटर, एंटर किया, एंटर, एंटर, देन यस। इसकी भी रिपोर्ट चेक कर लें, तो इसकी रिपोर्ट चेक करने के लिए आप डिस्प्ले पर आए, आपने डिस्प्ले पर एंटर किया, स्टेशनरी रिपोर्ट पर आए, एंटर किया, जीएसटी, और जीएसटी पर क्लिक करने के बाद GSTR1 फॉर सेल के लिए यूज होता है, एंटर किया, तो देखिए यहाँ पर आपका जीएसटी भी आ गया, आईजीएसटी। तो ये था आपका आईजीएसटी टैली के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट करें, कैसे यूज करें, कैसे उसके वाउचर्स बनाएं। ठीक है, तो ये है आपका आईजीएसटी का।